खबर चित्तौड़गढ़ जिले के भातसोड़ा कस्बे में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भातसोड़ा में मौसमी बीमारियों को लेकर जिस तरह मौसम के हिसाब से तीव्र गति में मौसमी बीमारियां काफी तेजी से फैलने के कारण जिसमें पेशेंट ज्यादा बीमार हो रहे हैं और पढ़ने वाले बच्चे बालिका आई फ्लू की बीमारी में काफी तेजी से फैल रही है, जिसके कारण बालिका एवं बालक पुरुष महिला सरकारी हॉस्पिटल में सरकारी पर्ची बनाकर डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं, परंतु डॉक्टर अली मोहम्मद का ये कहना है कि ये पेशेंट 200 पेशेंट होते ही जैसे सरकारी हॉस्पिटल में दवाई नहीं दी जाती है, वहीं हॉस्पिटल परिसर में बीमार पेशेंट आ जाता है तो 201 आदमी को आंखों में डालने की ड्रॉप हॉस्पिटल से नहीं दी जाती है। ये बात डॉक्टर अली मोहम्मद ने कही और हॉस्पिटल में बैठकर कहता है कि बाहर मेडिकल से ड्रॉप मेडिकल से ले आना, लेकिन जबकि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इतनी बड़ी योजना लाकर गरीबों को राहत देने का काम किया है, जबकि सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर राज्य सरकार की व अशोक गहलोत की योजना की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि बच्चों में आई फ्लू की बीमारी काफी तेजी से वायरल हो रही है जिसके कारण बच्चे इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से हॉस्पिटल से केवल गोली लिखकर कन्नी काट रहे हैं, साथ ही उनको आंखों में डालने की ड्रॉप बाहर से लाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।